हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम पूनम है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब खुश होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक चिकन। उसके लिए मैंने ये छोटे छोटे पालक ले लिए हैं और मैंने 250 ग्राम चिकन ले लिया है। तो सबसे पहले हम पालक को बॉईल करेंगे। तो उसके लिए मैंने पैन गर्म कर लिया है, एक कप पानी दिया है मैंने। ये मेरा पानी बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें पालक डाल दूंगी। तो जैसे आप लोगों को पता है, पालक बहुत ही रिच इन आयरन होता है, तो मैं भी कोशिश करती हूँ इसको हर खाने में मैं इसको डाल के बनाऊँ। बहुत ही अच्छा है आपके हेल्थ के लिए। तो ये मेरा पालक बॉईल हो चुका है। अब मैं इसको मिक्सर में ग्राइंड करूँगी। तो इसको ग्राइंड करके अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और हम पालक के पानी को, जो बॉईल किया हुआ पानी है, हम उसे फेंकेंगे नहीं। ये हम जब चिकन बनाएंगे तो वो हम उसमें डाल देंगे। तो ये मेरा फाइन पेस्ट बन चुका है और हम इसको साइड करके रख लेंगे। और हमें अब लेना है एक बड़ा सा प्याज और टमाटर और अदरक और लहसुन। तो मैंने एक बड़ा सा जो प्याज लिया है उसको मैं फाइनली चॉप करूँगी। तो उसके लिए मैं मिक्सर यूज़ कर रही हूँ। इसको एक दो बार स्लो स्लो करके चलाने से मेरा ये फाइनली चॉप हो गया है। अब मैं पैन गरम करूँगी और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। मेरा पैन गरम हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बे लीफ, सिनेमन स्टिक्स और कार्डमम, तेज़पत्ता, इलायची और दालचीनी। ये मेरा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। तो प्याज डालने के बाद हम इसको अच्छे से सॉटे करेंगे। इसको ब्राउन होने तक हम इसको पकाएंगे। तो गोल्डन ब्राउन जब तक ना हो इसको आप पकने दीजिए। और हम मीडियम फ्लेम में ही इसे पका रहे हैं। तो ये जिंजर गार्लिक को भी अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करके इसको मैं उसमें प्याज वाली मिक्सर में ऐड कर दूंगी। इसमें ऐड कर लिया है मैंने। तो इन सबको मिला के अच्छे से सॉटे करेंगे और इसे हम ब्राउन होने तक पकाएंगे, ताकि ये सब अच्छे से उसमें पक जाए, उसका वो कच्चापन निकल जाए। ये देखिए मेरा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर दिया है, धनिया पाउडर, 1 टीस्पून आपका गरम मसाला और 1 टीस्पून आपका हल्दी पाउडर और नमक आपका स्वाद अनुसार। तो इन सबको डाल के मैं इसको अच्छे से सॉटे करेंगे। तो इसको हम मिक्स करके अच्छे से इसको पकने देंगे मसाले को, ताकि इसके साथ पक जाए। ये मेरा मसाला पक चुका है। अब हम इसमें टोमेटो ऐड करेंगे। तो टोमेटो को जब तक गल ना जाए तब तक हमें इसको पकाना है। तो 2-3 मिनट पकने के बाद मेरा टमाटर गल चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन को ऐड करने के बाद हम इसको मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। और हम चिकन को तब तक अच्छे से मिक्स करते रहेंगे तब तक जब तक ये मसाले के साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो हम चिकन को मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ा देरी ढक के पकाएंगे। तो हम इसे 5 से 7 मिनट तक हम इसको कवर कर देंगे और पकने देंगे। तो हमारा 7 मिनट हो चुका है। हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है चिकन, इसको और हम पकाएंगे। चिकन ने पानी अभी छोड़ा है, तो इससे इसको और हम थोड़ा ड्राई करेंगे। तो थोड़ा और रोस्ट होने देंगे।
ये मेरा रोस्ट हो चुका है। अब मैंने इसमें साबुत 2 ग्रीन चिली डाल दिया है, हरी मिर्च। आप हरी मिर्च चॉप करके आप स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं, जो तो मेरा बेबी पूरब खाएगा, इसलिए मैं ऐसे ही इसको साबुत डाल रही हूँ। आप इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप इसमें रेड चिली पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं मसालों के साथ। तो मेरा ये चिकन, और हम इसे पकाएंगे ढक के। दो तीन मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। तो ये मेरा टेंडर हो चुका है चिकन। अब हम इसमें अपना पालक का पेस्ट ऐड करेंगे। तो पालक ऐड करने के बाद अच्छे से पालक को हम चिकन के साथ मिक्स करेंगे, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए ग्रेवी के साथ। तो हम इसको 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे, ताकि अच्छा सा चिकन के ग्रेवी के साथ मिक्स हो जाए हमारा ये पालक का पेस्ट। इसको थोड़ा देरी ढक के पकाएंगे, और हम इसमें डालेंगे ऊपर से मेथी। ये मेरा पक चुका है, हमारा पालक चिकन तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऊपर से मेथी क्रश करके डालेंगे। इस तरह से हाथों के बीच में मसल के डालने से आपका ये फ्लेवर और अरोमा बहुत ही अच्छा आता है मेथी का। तो ये हम डाल के अब इसको थोड़ा देरी सॉटे कर लेंगे। तो ये मेरा पालक चिकन रेडी हो चुका है, बहुत ही इजी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये पालक चिकन। मेरा ये रेसिपी पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कर दीजिए। तो ये पालक चिकन आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, डिनर में, लंच में, आप किसी भी टाइम इसे बना के खा सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। चावल के साथ भी आप सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर हिट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।